नमस्कार साथियों, फेबुलस एकेडमी कुचामन सिटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 6 से 9 फरवरी तक का जो पीछे रह गया था हमारा करंट अफेयर्स, उसको एक साथ देखेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन चूंकि सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो एक ही जगह आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर्स को कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा, यानी कि यहाँ पे दो फैक्ट हैं, एक तो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS बोला जाता है, उस पर एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा किए गए सबसे लंबे समय तक निरंतर अंतरिक्षयान का जो दर्जा है वो दर्ज किया गया रिकॉर्ड है, वो कब है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्रिस्टिना कोच। क्रिस्टिना कोच USA अमेरिका की एक अंतरिक्ष यात्री है और वो लगातार 329 दिन तक अंतरिक्ष के अंदर रही है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये चीज होगी, क्रिस्टिना कोच अमेरिका की रहने वाली है, USA की। आपको बता दें इससे पहले एक अमेरिका की महिला थी जिसका नाम था पेटी व्हीटस्टन और वो 289 दिन तक अंतरिक्ष में रही थी। अब यहाँ सवाल उठता है ये कि ये ISS क्या है। आपको बता दें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसके अंदर छोड़ा गया एक उपग्रह है जिसके 5 देश भागीदार है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि 5 देश कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। आपको बता दें इसमें 5 एजेंसियां हैं, एक का नाम है NASA जो USA की है, USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक इसके अंदर कनाडा की स्पेस एजेंसी है, तो कनाडा और USA तो नॉर्थ अमेरिका हो गए। आपको बता दें इसमें एक ES है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जो EU की है। और इसके बाद में इसमें एक रोस कॉस्मोस, और ये रोस कॉस्मोस आपको बता दें रशिया की स्पेस एजेंसी है। और एक है जाक्सा, और ये जाक्सा है ये जापान की है। इन 5 स्पेस एजेंसियों ने मिलके ये ISS बनाया है और ये 1998 के अंदर बना था। आपको बता दें तो ये आपको याद रखना, क्रिस्टिना कोच सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह फाइनेंशियल एजुकेशन वीक है वो लिटरेरी वीक है, ये कब मनाया, किसने मनाने की जो है अनुमति दी है और मना रहा है? आपको बता दें 10 से लेकर ये जो 14 फरवरी तक है ये सप्ताह चलेगा और ये भारतीय रिजर्व बैंक है उसने मनाया है लोगों के अंदर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कि लोग पहचाने उसमें फ्रॉडनेस नहीं हो। आपको बता दें कि ये भारत का केंद्रीय बैंक है और ये 1934 के एक्ट के तहत 1935 में हमारे सामने आया, 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन इस बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को, ये आपको याद रखना, नेशनलाइज इस दिन किया गया था। आपको बता दें अभी इसके अंदर जो इसके गवर्नर हैं, RBI के गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास हैं। ये इंपॉर्टेंट हैं, आगे भी इनका एक क्वेश्चन आएगा जिसको हम वापस रिपीट भी करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक और बैंक दिया हुआ है, राइट आंसर तो ये हो गया कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह RBI मनाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। आपको बता दें कि ये SBI भारत का सबसे बड़ा RBI के बाद में बैंक है और नेशनलाइज्ड बैंक है, ये गवर्नमेंट की इसके अंदर लगभग 61% की भागीदारी सरकार की है। तो ये बैंक सीधा SBI के रूप में नहीं आया था, सबसे पहले 1806 के अंदर बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, उसके बाद में 1840 के अंदर बैंक ऑफ उस जमाने में बम्बई कहलाता था, बम्बई की स्थापना हुई। उसके बाद में 1843 के अंदर बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। इन तीनों बैंकों को मिला के 1921 के अंदर एक बैंक बनाया जिसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया, इंपीरियल बैंक कहा गया, यानी कि इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। और बाद में जब देश आजाद हो गया तब यही इंपीरियल बैंक 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, इसीलिए SBI 1 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक है और बहुत सारे इसके बैंक हैं जिनका इनमें विलय भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 20वें लोरियस विश्व खेल पुरस्कार किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि लोरियस पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे खेल से संबंधित है,
ये याद रखना है। इसके अंदर दुनिया के सबसे श्रेष्ठ एथलीट और महिला और पुरुष दोनों चुने जाते हैं, और अब की बार ये बर्लिन के अंदर आयोजित किए जाएंगे। और अगर बर्लिन की बात करें तो ये जर्मनी की कैपिटल है दोस्तों, जर्मनी की राजधानी है ये। और आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जब शीत युद्ध हुआ, तो इस शीत युद्ध के दौरान 1961 के अंदर बर्लिन का विभाजन किया गया था, बर्लिन की दीवार बना दी गई थी। और वही दीवार 1989 में आके, ये दीवार 1989 में दीवार को फिर ध्वस्त किया गया था। बर्लिन की दीवार काफी फेमस है और ये दुनिया का काफी विकसित सिटियों में माना जाता है। ये जर्मनी में ही स्थित एक और शहर है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। आपको बता दें ये कि दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, दुनिया का सबसे ज्यादा व्यस्त अगर हवाई अड्डा है, व्यस्त हवाई अड्डा यही है जो यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है, फ्रैंकफर्ट। शंघाई चाइना में स्थित है, और लिस्बन है ये पुर्तगाल की कैपिटल है, आपको बता देते हैं। और पुर्तगाल यूरोप में स्थित है, इसके पास में स्पेन है जिसकी कैपिटल मैड्रिड है। तो लोरियस अवार्ड देखते हैं, ये 14 ये मतलब अभी दिए जाएंगे फरवरी महीने के अंदर, 17-18 फरवरी के आसपास, देखते हैं किसको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने गांव की मैपिंग के लिए ड्रोन लगाने का फैसला किया है। ये काफी रोचक सवाल है। देखो जनरली ये हमारे यहाँ पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह गांव की मैपिंग करते हैं, कौन सा खेत कहाँ रहेगा, सरकारी जमीन कितनी है, लेकिन ड्रोन के माध्यम से ये टेक्नोलॉजी का यूज है, और मध्य प्रदेश सरकार ये करने जा रही है जिसकी कैपिटल है भोपाल। आज हम मध्य प्रदेश के अंदर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। देखो मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका। ये भीमबेटका यूनेस्को की विश्व विरासत सिटी, विश्व विरासत साइट भी है, यूनेस्को की विरासत स्थल भी है ये। और ये एक, आपको बता दें, ये एक प्राचीन कालीन शैल चित्र स्थल है, शैल चित्र है, यहाँ चट्टानों के अंदर चित्र उकेरे गए हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा एक गुफा है जिसका नाम है बाघ, वो भी यही है। आपने नाम सुना होगा सांची के स्तूप, सांची के स्तूप भी यहीं पे है। आपने एक नाम सुना होगा अमरकंटक, अमरकंटक जहाँ पर सोन नदी भी निकलती है प्लस नर्मदा भी निकलती है, वो भी यहीं पे है। आपने नाम सुना होगा एक पंचमंडी, वो भी यहीं पे है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे स्थल हैं। एक देवगढ़, आपने नाम सुना होगा जो प्राचीन कालीन बहुत फेमस मंदिर है, देवगढ़ के मंदिर, वो भी मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। झांसी जहाँ भारत का केंद्र माना जाता है, जहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आके मिलते हैं, वो झांसी भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश की आप आज हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन उनको देख लिया। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, और असम की दिसपुर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर एन एस धर्मसक्तु, ये कुष्ठ रोग विशेषज्ञ हैं और कुष्ठ रोग निवारण के लिए सतत अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्मूलन की दिशा में प्रयास के लिए कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया। राइट आंसर है इसका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। आपको बता दें कि हर एक साल 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, जो विशेष तौर पर गांधीवादी प्रयासों से समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य करते हैं उनको दिया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64 किलोग्राम वर्ग में सीनियरी महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता, आपको बताना है। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राखी हल्दर। कोलकाता के अंदर ये भारोत्तोलन प्रतियोगिता चल रही थी, और रेलवे की ये भारोत्तोलक है राखी हल्दर, उसने 64 किलोग्राम में गोल्डन जीता है। मीराबाई चानू है, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता भी है, और भारत की सर्वश्रेष्ठ अगर अभी वर्तमान में देखें तो ये भारोत्तोलक है। और ओलंपिक के अंदर देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में ये क्या करती है, पूनम यादव क्रिकेट से संबंधित एक महिला खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, कि जयपुर जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है को किस संगठन द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रमाणित किया गया। देखो जयपुर की स्थापना बता देते हैं आपको, 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने की थी, सवाई जयसिंह द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। और इसी को अभी यूनेस्को ने, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
इसने इसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया। अब यहाँ बात कर लेते हैं, देखो इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई थी, और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस में है और पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगर इसके अभी डायरेक्टर की बात करें, डायरेक्टर जनरल होते हैं इनके एजेंसी, यूएन की एजेंसी है, और इसके डायरेक्टर जनरल एजोल है, एंड्रयू है। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण चीज है वो याद रखने। आपको बता दें कि भारत में दो ही शहर हैं जो विश्व विरासत स्थल के रूप में है, एक का नाम तो ये जयपुर और दूसरे का नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद को लास्ट साल शामिल किया गया था और 2019 के अंदर जयपुर को शामिल किया गया। अगला ये जो ऑप्शन है WTO है, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1945 के अंदर हुई, 1995 के अंदर हुई थी, और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये याद रखना है। और एजवेडो, एजवेडो इसके अभी जो डायरेक्टर हैं वो है। ये व्यापार से संबंधित एक संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो वो न्यूयॉर्क में है, ये आपको याद रखना है। और देखो आज एक महत्वपूर्ण चीज देखेंगे, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल भाषाएं हैं, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इसकी 6 लैंग्वेज। ये आप कंफ्यूज हो जाओगे कई बार, देख लेते हैं। उसमें एक तो है इंग्लिश, दूसरी है फ्रेंच, तीसरी है इसके अंदर चाइनीज, चौथी है इसके अंदर रशियन। अब ये दो लैंग्वेज है ये काफी अजीब टाइप से, एक है अरबिक और एक है स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेज हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको बता दें EU है जो यूरोपीय यूनियन है, इसके अंदर 27 देश हैं, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। अगर ब्रुसेल्स की बात करें तो वो बेल्जियम में है दोस्तों। वैसे इसका जो गुलाबी नगर को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है वो यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वर्ष यानी कि 2020 के अंदर ही जुलाई माह के अंदर टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक होगा उसमें भारतीय टीम का सद्भावना दूत किसे बनाया गया? इसका सद्भावना दूत बनाया गया सौरव गांगुली को, जो कि अभी BCCI के चेयरमैन है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, BCCI के चेयरमैन सौरव गांगुली को टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय जो टीम है उसका सद्भावना दूत बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, दीपा मलिक को जो पैरा ओलंपिक है उसके लिए बनाया गया है दोस्तों। दीपा मलिक भारतीय महिला है जो कि शॉर्ट पुट एंड जेवलिन थ्रोअर है, और इसने पैरा ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीता था, और इस साल का इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला था और 2019 दिया गया, और इनको पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। देवेंद्र जाजड़िया राजस्थान के रहने वाले हैं, चूरू के और चूरू डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये भी जेवलिन थ्रो के अंदर अपना महारत रखते हैं, और इन्होंने 2 बार गोल्ड जीता है ओलंपिक के अंदर, जो एक बहुत विशिष्ट उपलब्धि है किसी पैरा एथलीट के द्वारा जीते गए गोल्डों में। आगे बढ़ते हैं कि वित्तीय खुफिया पत्रिका द बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए केंद्रीय बैंकर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में किसे नामित किया गया है? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। द बैंकर पत्रिका के द्वारा शक्तिकांत दास है, उनको जो RBI के गवर्नर है उनको द बैंकर के रूप में चुना गया है। आपको बता दें रजनीश कुमार है, ये SBI के अभी चेयरमैन है, SBI के चेयरमैन है ये, तो ये आपको याद रखना है। SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है वैसे, और RBI ये केंद्रीय बैंक के रूप में जिनके जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास उनको द बैंकर के द्वारा केंद्रीय बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश राष्ट्रमंडल परिवार का 54वां सदस्य बन गया? आपको बता दें 2016 में मालदीव राष्ट्रमंडल से अलग हो गया था, और अब 2016 में और 2020 में वापस शामिल हो गया है, और ये 54वां देश बन गया है। लंदन घोषणा के तहत, लंदन घोषणा हुई थी 1949 में, उस घोषणा के तहत जो देश ब्रिटिश राज के अधीन थे उन देशों ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले ली, और अभी 54 देश हैं जिसमें देखो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, श्रीलंका की जयवर्धनापुरा है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय किशोर
कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया? देखो, किशोर कुमार पार्श्व गायक थे, भारतीय संगीत इंडस्ट्री के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान है, और वहीदा रहमान को इस साल के लिए ये जो किशोर कुमार सम्मान है उसे नवाजा गया है। ये एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। वहीदा रहमान को किशोर कुमार सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इसका राइट आंसर है मोहम्मद तौफिक अल्लावी को इराक का प्रधानमंत्री बनाया गया है। इराक की अगर यहाँ राजधानी की बात करें दोस्तों, तो वो राजधानी है बगदाद, और बगदाद जिस नदी के किनारे स्थित है उसका नाम है दजला फरात। आपको बता दें, प्राचीन काल के अंदर यहाँ पे एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया को ही आजकल इराक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, के हाल ही में किस देश ने टीडी दल से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? ये अभी पश्चिमी भारत के अंदर राजस्थान, ये वाला अगर हम एरिया देखें, या इधर राजस्थान के दो जिले बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर भी टीडी का काफी बड़ा प्रकोप रहा था, और दो देश हैं सोमालिया और पाकिस्तान जिन्होंने इसको राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। सोमालिया की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है जिसकी कैपिटल मोगादिशु है। ये दस्यु यानी कि बहुत ही गरीब कंट्री है, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान और भारत के जो थार डेजर्ट है, उस थार डेजर्ट के अंदर अब की बार 2019-20 के इस जो सत्र है इसके अंदर टीडी का काफी प्रकोप रहा, और राष्ट्रीय आपात भी घोषित किया है पाकिस्तान ने। तो आगे बढ़ते हैं, प्रथम मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? इसका राइट आंसर है विनोद कुमार शुक्ल ने, ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए इनको ये पुरस्कार मिला, और मातृभूमि फाउंडेशन जो केरला के अंदर है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। बाकी अरुंधति राय, सलमान रुश्दी और विक्रम सेठ भारत के जो इंग्लिश के अंदर लिखे जाने वाले जो नॉवेलिस्ट हैं वो हैं, काफी फेमस हैं। सैटेनिक वर्सेज है इनकी बुक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किस शहर में तटीय सुरक्षा अभ्यास मतला अभियान शुरू किया? और इसका राइट आंसर है दोस्तों कोलकाता। कोलकाता भारत का एक शहर है जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यहाँ पे एक नदी बहती है सुंदरवन एरिया के अंदर, उस नदी का नाम है मतला, और उस नदी के किनारे पर तटीय सुरक्षा के लिए दो नावों के माध्यम से भारतीय नौसेना ने एक अभियान शुरू किया है जिसको मतला अभियान नाम दिया है। और सुंदरवन भारत और बांग्लादेश के बीच में सुंदरी पौधों के कारण से जाने जाने वाला एक वन है जो आर्द्र भूमि के तौर पर काफी प्रसिद्ध है। बाकी विशाखापट्टनम और बॉम्बे भारत का अगर ऐसे मैप ड्रॉ करेंगे तो एक इस तट के ऊपर और एक यहाँ पर, यहाँ विशाखापट्टनम है और यहाँ मुंबई है, ये दो बंदरगाह हैं। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और इसका राइट आंसर है गोपाल बागले। दोस्तों आपको बता दें, गोपाल बागले को तरनजीत सिंह संधू की जगह नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तरनजीत सिंह संधू अब राजदूत बनाए गए हैं यूएसए के अंदर भारत के, और श्रीलंका की कैपिटल अभी हम जयवर्धनपुरा देख ही चुके हैं, और श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। और ये अगर मैप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये देखो पाक जल संधि है, पाक जल संधि के माध्यम से भारत है और श्रीलंका है वो अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पे श्रीलंका का एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बन टोटा, और इस हम्बन टोटा बंदरगाह को चीन बना रहा है, इसलिए ज्यादातर भारतीय आशंकित हैं कि चीन इनके माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। आज का करंट अफेयर्स इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक के जो 10 जनवरी 10 फरवरी से लेके आगे का जो करंट अफेयर्स है उसको भी एक साथ करेंगे। आज का करंट अफेयर्स सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।